किंग कोबरा अगर किंग कोबरा को ही काट ले तो क्या होगा? किंग कोबरा को दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में से एक माना जाता है। उसका जहर एक बार में 11 लोग ही जान ले सकता है। माना जाता है कि किंग कोबरा का जहर इतना ज्यादा तेज होता है कि वह जिस व्यक्ति को काट ले उसकी मौत होनी पक्की है। दुनिया के सबसे जहरीले सांप की औसतन लंबाई 5 से 6 मीटर तक होती है। किंग कोबरा से बाकी सांप भी बचकर निकलते हैं क्योंकि यह उन्हें भी खा सकता है। ऐसे में आपके मन में कई बार दो किंग कोबरा के बीच लड़ाई देखकर सवाल उठा होगा कि यदि किंग कोबरा एक दूसरे को काट ले तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल किसी भी जहरीले सांप के शरीर में अपने जहर के लिए एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, इसलिए किसी किंग कोबरा के दूसरे किंग कोबरा को डसने पर ये एंटीबॉडी एक्टिव हो जाते हैं और जहर को शरीर से निकाल देते हैं। ये एंटीबॉडीज डसने से आए जहर के प्रोटीन कणों से जुड़ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे विषैले प्रोटीन कण हानि रहित बन जाते हैं। इसके बाद गुर्दे के जरिए वे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह बात किसी सांप के अपनी ही प्रजाति के सांप के लिए काटने पर लागू होती है। यदि किंग कोबरा किसी दूसरे सांप को काट ले या किंग कोबरा को करैत जैसा जहरीला सांप काट ले तो उसमें डंक का शिकार हुए सांप की मौत होना तय है। दरअसल किंग कोबरा हो या कोई दूसरा सांप, उसके शरीर में केवल अपने जैसे जहर के लिए ही एंटीबॉडी होते हैं। दूसरे प्रजाति के सांप के जहर को यह एंटीबॉडी नहीं काट सकते हैं, इस कारण उसकी मौत हो जाती है।